हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ लेकर के आए हैं द ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में एक मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज़ योर द ब्लैक बॉक्स मॉडल। अब ये ब्लैक बॉक्स मॉडल होता क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए कंज्यूमर्स का बिहेवियर स्टडी करना, या फिर देखना कि कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है, कौन कौन से ऐसे जो हैं आपके बेसिस हैं, जिसको देख करके या फिर जिस पर काम करके या फिर जिसको आप अगर अपने कंज्यूमर्स के सामने बताएंगे तो वहाँ उस कंज्यूमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट को बाय करने की इच्छा आएगी। तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को बाय जब करता है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो तो कंपनी का कंट्रोल में जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि भैया कंज्यूमर को देख करके लगे ये तो लेना ही लेना है। प्राइस उसका ऐसा हो कि वो उसको सूटेबल लगे। एडवर्टाइजिंग ऐसी की गई हो कि उसको लगे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट में कुछ बात है। सेल, प्रमोशन, डिस्प्ले, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ों में आपने जो है एज अ कंपनी बहुत अच्छा काम किया। और बाकी अदर चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ या फिर रेफरेंस ग्रुप, अब इन सब के द्वारा कुछ ना कुछ इनपुट डाला गया है कंज्यूमर के दिमाग में, जिसके बाद कंज्यूमर एक रिस्पॉन्स लेता है कि आइदर टू बाय योर प्रोडक्ट और नॉट। तो ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है, यहाँ पे एक जो कंज्यूमर का माइंड है उसको ब्लैक बॉक्स की तरह समझा गया है, जिसमें इतने सारे स्टिमुलेशंस जो हैं, इतने सारे आपके इनपुट्स जाते हैं एंड आउटपुट में एक रिस्पॉन्स निकल के आता है जो कि डिसाइड करता है वेदर टू बाय इट और नॉट। तो इसको कहा जाता है द ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर बिहेवियर का ब्लैक बॉक्स मॉडल, जहां ब्लैक बॉक्स बॉक्स का रेफरेंस की गई है कंज्यूमर के माइंड से, जिसमें आपने एज अ कंपनी बहुत सारे इनपुट्स डाले हैं, अब वो आउटपुट में या तो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, व्हाट इज़ ब्लैक बॉक्स मॉडल? डेफिनेशन की बात करें तो ब्लैक बॉक्स मॉडल जो है एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज किया जाता है मार्केटिंग में, जो कि कंसीडर किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर के लिए एज अ प्रोसेस ऑफ इनपुट, अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड आउटपुट। यहाँ पे कंज्यूमर का ये माइंड आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी जा रही हैं और उसके बाद ये क्या कर रहा है, एक रिस्पॉन्स दे रहा है कोई भी आपका जो है, या तो उसको खरीद के या फिर ना खरीद के। वाई ब्लैक बॉक्स? द मॉडल इज कॉल्ड द ब्लैक बॉक्स बिकॉज द इंटरनल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द कंज्यूमर माइंड्स आर अननोन और नॉट ऑब्जर्वेबल बाय द मार्केटर। अब इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर का माइंड है, जो दिमाग है, वो आप समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, वो एक इंटरनल प्रोसेस है उसके खुद का। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर के माइंड में हो रहा है और यहाँ आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते और वो आपके लिए अननोन है। यूज़फुल क्यों है ये मॉडल? जो है प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग को, हेल्प कर सकते हो, हेल्पिंग होती है मार्केटर्स की ये अंडरस्टैंड करने में कि कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है और किन किन स्टिमुलेशन पे कैसे उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सारे स्टिमुलेशन होते हैं जो कि आपके हो सकते हैं प्रोडक्ट को लेकर के आपके अनकंट्रोलेबल, वो सारे स्टिमुलेशन कैसे इसके दिमाग में जा कर के क्या जो है उससे प्रोसेस हुआ है और उसका क्या आउटपुट निकल के आया है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनपुट्स। मार्केटर्स जो हैं वो वेरियस स्टिमुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू, पैकिंग के थ्रू, प्राइसिंग के थ्रू, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है जो कि उस कंज्यूमर के दिमाग के अंदर होता है। द प्रोसेस इंक्लूड प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, इसमें क्या है, एक पूरा प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना, अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करना, इवेल्युएट करना कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो परचेज का डिसीजन लेना और पोस्ट परचेज का इवैल्यूएशन करना, परचेज के बाद भी इवैल्यूएशन करना। आउटपुट क्या आता है? आफ्टर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। ये पूरे जो है आपका मॉडल में जो भी आपके कंज्यूमर के दिमाग में चीज़ें गई हैं उससे दो ही आउटपुट निकलेंगे, या तो वो उसको बाय कर लेगा या फिर जो है उसको बाय नहीं करेगा, डिससेटिस्फाई होगा। सो इन दो के अलावा यहाँ पे कोई और पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकते।
नेक्स्ट इज द रोल ऑफ स्टिमुली. अब इस ये जो स्टिमुलीज है इसका क्या रोल है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को कि कैसे करती है, क्योंकि जहाँ पे आप उसके उसको प्रोडक्ट को लेकर के अवेयर कराते हो, शेपिंग एटीट्यूड उसका, परसेप्शन आप क्लियर करते हो, ट्रिगर करते हो इमोशंस की. जैसे कि आप जो है, अब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, डाइपर्स का अगर आप ऐड देखो उसमें कैसे बच्चे को ऐसे रोता हुआ चीखता चिल्लाता हुआ दिखाता है, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग एन इमोशनल अपील कि देखो आपके बच्चे भी ऐसे रोएंगे छुट्टू मुट्टू से, ठीक है, चै चै करके. तो वहाँ पे वो मदर्स को लेकर के बड़ा इमोशनली टारगेट किया जाता है ताकि वो उसी प्रोडक्ट को खरीदे कि हाँ भाई मेरा बच्चा भी लुलू लुलू सा लाल लाल सा है, उसको भी थोड़ा सा संजो के रखेंगे तो अच्छे से डायपर पहलाएंगे उसको भी, जो उसको परेशान ना करे, रैशेज ना दे. नेक्स्ट इज पैकेजिंग. पैकेजिंग और डिज़ाइन ऐसे अट्रैक्ट करता है आपको कि आप कई बार प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट वो आप जस्ट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग आप कई बार उसको बाय कर लेते हो. इट रियली हैपेंड विद मी, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. एक टाइम था, कुछ टाइम पहले की बात है मेरे ख्याल से, मैं गई थी कुछ सामान वगैरह लेने के लिए. सो वहाँ पे आई सो अ बॉटल जो कि पूरी अंडे की शेप की थी, ठीक है. तो मेरे को ना लगा यार इसको एक बार ट्राई करते हैं. मुझे पहले से पता था ये प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है और नहीं मुझे सूट किया, और वो शैम्पू का प्रोडक्ट था, और फिर भी मैंने जो है वो लिया, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैकेजिंग मैंने वो लिया. और उसके बाद मुझे समझ आ गया भैया आज के बाद पैकेजिंग देख करके तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए. सो इट हैपन्स एक्चुअली कि पैकेजिंग डिज़ाइन देख करके कई बार हम जो है फिसल जाते हैं और हम उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं. तो वो कंज्यूमर का जो है अटेंशन ज़रूर ग्रैब करता है आपका पैकेजिंग. नेक्स्ट इज प्राइसिंग. प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी जो है इन्फ्लुएंस करती है आपके परचेजिंग डिसीजन को. अगर आपका प्राइस बहुत हाई आपने रख लिया प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हो सकता है कंज्यूमर को समझ आ जाए भैया ये पागल बना रहा है, ये तू क्या कर रहा है भाई, ऐसे वो पूछ ले हमसे आकर के, बट स्टिल जो है वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं बाय करेगा. तो प्राइसिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की जाती है कि भैया मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या चाहिए. मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को जो है कुछ बाल मेरे गंदे हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आप इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, शैम्पूज़ वगैरह या कुछ भी. तो यहाँ फिर कंज्यूमर सर्च करता है कि अवेलेबल ऑप्शन कौन कौन से हैं, फिर कलेक्ट करता है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कि अच्छा इसमें इसमें अधनिया है, इसमें आंवला है, इसमें ये है, मेरे बालों के लिए कौन सा ठीक रहेगा. तो वो ये इन्फॉर्मेशन सर्च करके डिसाइड करता है, फिर उसके बाद इवेल्यूएट करता है. आपके पास एक बार ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो गए, उसके बाद आप जो है इवेल्यूएट करोगे ऑल्टरनेटिव्स का भी कि जो है उसके ऑप्शंस में जो चीज़ें हैं उससे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक है. उसके बाद आप जो है प्राइसिंग परचेज डिसीजन लेते हो कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे परचेज करना है. लिमिटेशन क्या है ब्लैक बॉक्स मॉडल की, सबसे पहले सिंप्लिसिटी. ये जो है ओवर सिंप्लीफाइज है, कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को ऑफ कंज्यूमर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. लिमिटेड स्कोप होता है यहाँ पे, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट और सोशल कल्चर साइकोलॉजिकल और सिचुएशनल फैक्टर्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है. तो एक लिमिटेड स्कोप में ही यहाँ पे चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे आपकी इन्वॉल्व नहीं हो पाती. अज्यूम करता है रैशनैलिटी, इट अज्यूम्स कि कंज्यूमर्स जो है वो रैशनल है, डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो है कंज्यूमर्स को बताना भी पड़ता है कि ये तुम्हारी नीड है. कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है. कंक्लूजन की बात करें तो इंपॉर्टेंस के तौर पे एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मार्केटर्स को हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि कंज्यूमर्स जो हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं उनका जो रिस्पॉन्स है मार्केट स्टिमुलेशन पे वो क्या है, और उसको स्टडी करना. लिमिटेशन कि भाई ये जो है आपको कुछ ही जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, आपको इसके साथ बहुत ही कॉशन होना पड़ता है, एंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मॉडल्स टू अकाउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 4 to 5 marks का ही, आप इसको समझ के चलिएगा. ज़्यादा डीपली इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, जस्ट ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, दैट्स इट. इसके बाद अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर का दूसरा टॉपिक्स भी आपने पढ़े होंगे तो यू कैन ईजिली राइट डाउन द आंसर अगर आपके क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है तो. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.